दर्शकों नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। विधानसभा का विधायकों का परचम कौन लहराएगा? क्या अब अपना चुना हुआ नेता आपके क्षेत्र के विकास से सफल साबित हुआ? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने पहुंची हमारी एमएनएस की टीम विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में, जिसके चलते विधायकों के काम और क्षेत्र का विकास इन्हीं मुद्दों को लेकर टीम ने की क्षेत्र की जनता से चर्चा। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की 64 नंबर की तिरोडा विधानसभा विजय रांगडाले, इनके क्षेत्र की जनता का क्या कहना है। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र जो है, इसके लगभग हम लोग बिरसी करके एक गांव है, इस गांव में पहुंचे हैं, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जो विजय रांगडाली जी, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उनको इस क्षेत्र के विकास में क्या क्या योगदान रहा उन लोगों का। तो आपका नाम? राहुल कावड़े जी, आप बताइए कि जो विजय रांगडाले जी है, उनका कार्यकाल कैसा रहा आपके इस 5 सालों का? वैसे तो 5 सालों में अभी देख रहे तो अभी जहाँ तक अच्छा ही रहा है, जैसे ये रोडों का काम हो गया, फिर ये ढापे वाला सिंचा ऑप्शन, ये चोर खमारा, यानी अच्छा ही रहा, वैसे किसानों के लिए भी अच्छा रहा। अच्छा, उन्होंने अभी तक के कितने लोगों को रोजगार वगैरह कुछ ऐसा, यानी यहाँ अदानी पावर प्लांट वगैरह है या बाकी और चीज़ों में उन्होंने रोजगार के कोई साधन मुहैया वगैरह कराए हैं? हाँ कराए हैं, लेकिन उनके तरफ उनका थोड़ा कम ध्यान है बिल्कुल रोजगार के तरफ। मुझे जहाँ तक लगता है रोजगार के तरफ सरकार का ध्यान कम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रराज खोबरागढ़। खोबरागढ़ जी, आपको क्या लगता है विजय रांगडाली जी अपने पूरे 5 साल के जो कार्यकाल है अभी उनका विधायकी का, वो उनका सक्रिय रहा कि निष्क्रिय रहा? नहीं, सक्रिय ही रहा है। अच्छा, अच्छा ही रहा है कार्यकाल। क्या क्या किया उन्होंने इस गाँव में? कितने पानी की, पीने की, पानी की समस्या वगैरह? वो समस्या तो इस गांव में पानी की है ही नहीं, क्योंकि पहले से है पानी का गाँव है पहले से। अच्छा, सड़कें वगैरह इस गाँव के अंदर की? वो तो पहले से है। तो उनके माध्यम से कोई सड़कें वगैरह बनी है क्या गांव में? नहीं बनी है, पहले अभी भी बनी है, लेकिन उतना कुछ ये नहीं। अच्छा, यहाँ नाली वगैरह, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था है? शिक्षा वगैरह की व्यवस्था तो है। तो शिक्षा में क्या क्या है यहाँ इस गांव में, क्या है ने? कॉलेज वगैरह है ना उन्हें के माध्यम से, या कोई स्कूल वगैरह उनके माध्यम से खुली है यहाँ? नहीं, वो तो पहले से है। अच्छा, सारा जो डेवलपमेंट है ये पुराना ही डेवलपमेंट है? पुराना ही है। अच्छा, तो यहाँ से उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया है? रोजगार तो पता नहीं अभी कितने को कराया है तो ना कितने को नहीं। तो आपके गांव में अभी बेरोजगारों की संख्या वगैरह आपको पता है? आपके दोस्त लोग आप कहाँ जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, मैं तो गुजरात में रहता हूँ, उधर ही जॉब करता हूँ। अच्छा, उधर ही जॉब करते हैं। क्या नाम है आपका? तिलकचंद कावड़े। कावड़े जी, यहाँ के जो विधायक है विजय रांगडाले जी, उनका कार्यकाल आपको 5 सालों का सक्रिय लगा कि निष्क्रिय लगा? सक्रिय लगा। अच्छा, तो सक्रिय कैसे लगा वो बताइए। सक्रिय इसलिए लगा हमको कि हमारे एरिया में काम अच्छे हुए। कौन कौन से काम हुए आपके एरिया में? अब अपने एरिया में सिंचन के लिए कुएं बने और बांधकाम काम हुए, घरकुल बने। अच्छा, लेकिन ये जो बांधकाम और घरकुल योजनाएं जो होती है, ये तो गवर्नमेंट की योजना है, उनके माध्यम से 25-15 करके एक रोडों का या बाकी चीज़ों का प्रोग्राम होता है, वो उसमें बताइए कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या हेल्प की, यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या विकासात्मक कार्यों किए हैं वो बताइए। हमारे गाँव के लिए उन्होंने स्कूल में बनाए, उन्होंने बालकम्बन के स्कूल का, स्कूल को रिपेयरिंग करा दिए और अच्छे काम किए, यहाँ रोड बनाए, रोड भी बने। अच्छा, सड़कें भी बनी हैं आपके गाँव की। अच्छा, इस गाँव में रोजगार की व्यवस्था क्या की है उन्होंने वो बताइए। रोजगार के लिए भी रोजगार हमें का काम खुला हुआ था गवर्नमेंट का। वो कितने दिन चला यहाँ? वो चला 2-3 महीना। 2-3 महीने चला? हाँ। अच्छा, उसके बाद और यहाँ के युवाओं को कोई प्रशिक्षण वगैरह, जैसा कि उन्होंने अपने स्वरोजगार वगैरह का कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन वगैरह? नहीं, वो कार्यक्रम के बारे में तो मालूम नहीं उतना। अच्छा, तो अच्छा, इस गाँव में कितने लोग बेरोजगार हो गए? इस गाँव में कम से कम हो गए 200-300 लोग। 200-300 लोग बेरोजगार है इस गाँव में, पढ़े लिखे जो लोग हैं। अच्छा, अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टा पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।